भुवनेश्वर से करीब 9 घंटे दूर आपको भवानी पटना का शहर मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कालाहांडी का, जो उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। भवानी पटना कालाहांडी किंगडम का कैपिटल होता था और वहाँ अभी भी कालाहांडी पैलेस मौजूद है। कई सदियों से उधर नागा डायनेस्टी का राज था, पर कई सालों से कालाहांडी अपनी नागा डायनेस्टी के लिए नहीं बल्कि अपनी गरीबी के लिए माना जाता है। ये फोटो है फानस पुंजी की। 1985 में फानस पुंजी, जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अमलापली गांव में रहती थी, उनको मजबूरन अपनी केवल 2 साल की उम्र की सिस्टर इन लॉ को एक बुढ़े आदमी को बेचना पड़ा 40 रुपए में, ताकि वो कुछ चावल खरीद सके और उनके बच्चे भुखमरी से ना मरे। कपिल नारायण तिवारी, उस टाइम के MLA, ने इसके बारे में कहा था कि इधर बच्चे चने से भी कम दाम पर बिकते हैं, और इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। एकदम से कालाहांडी की तरफ कई VIP आने लगे। जैसे राजीव गांधी उधर अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि हर रुपए में से जो सरकार खर्च करती है, बस 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं। अब ऐसी VIP विजिट्स की वजह से कालाहांडी को लाइमलाइट तो मिली, पर वास्तव में इतना कोई चेंज नहीं आया उधर की जिंदगी में। जैसे 5 महीने बाद फानस पुंजी ने एक रिपोर्टर को बताया कि राजीव गांधी की विजिट के बाद वो और गरीब हो गई है। कुछ सरकारी कर्मचारी आए तो जरूर और उन्होंने उनको साड़ी और अनाज भी दिए, पर वो उनकी गरीबी का अपमान था। पर इंडिया टुडे की 2006 की न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से 20 सालों में कालाहांडी की सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो गई थी। वो फानस पुंजी के पास वापस गए और उन्होंने देखा कि फानस ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जेवर भी, और ये इम्प्रूवमेंट हम डेटा से भी देख सकते हैं। 1999 में उड़ीसा सबसे गरीब स्टेट थी इंडिया में, पर 12 साल बाद उन्होंने 5 पदों की जंप लगा दी थी। इसी चीज की वजह से नवीन पटनायक, जो चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, उन्होंने कहा कि कालाहांडी अपनी भूख के लिए नहीं बल्कि अपनी राइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब जाना जाता है। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज कालाहांडी, बलंगी और अविभाजित कोरापुट का ये क्षेत्र भारत में गरीबी, भुखमरी और अकाल का पर्याय बन चुका है। Is politics your profession or is it your occupation? Well, it is a profession, I would say now. I will continue to stay in the state to serve it. क्योंकि उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के पास है, इसी वजह से इतिहास में उधर अनाज और टेक्सटाइल का एक एक्सपोर्ट ट्रेड मौजूद था। 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी उड़ीसा के बालासोर में, इसी वजह से उधर अंग्रेजों का व्यापार फल फूल रहा था। पर 18वीं और 19वीं सदी में 3 चीजें हुई जिनका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उड़ीसा के ट्रेड और डेवलपमेंट पर। पहला कि मराठा, अंग्रेजों और मुगल्स के बीच लगातार लड़ाई होती रही कि कौन उड़ीसा पर कंट्रोल आजमाएगा। इसकी वजह से किसी के लिए भी प्रायोरिटी नहीं थी कि उड़ीसा को डेवलप कैसे करना चाहिए, पर यह कारण था जिसकी वजह से उड़ीसा में गरीबी बढ़ी थी मराठा रूल के दौरान। दूसरा कारण था कि अंग्रेज बंगाल के कलकत्ता पोर्ट के आसपास फैक्ट्रीज बनाने लग गए, जिसकी वजह से उड़ीसा की फैक्ट्रीज का महत्व कम होने लगा। तीसरा कारण था कि उड़ीसा कई टाइम से एक टेरिटरी का भाग नहीं था। अंग्रेजों ने उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को या तो बंगाल प्रोविंस में डाल दिया था या फिर मद्रास प्रोविंस में, जिसकी वजह से उड़ीसा को कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वो एक छोटा भाग था एक बड़ी बंगाल या फिर मद्रास प्रोविंस का। ऐसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने 8 टीचर्स भेजे थे बालासोर में, इसमें से 6 बंगाली थे और 2 ही उड़िया थे। अब अगर टीचर्स लोकल लैंग्वेज ही नहीं जानते तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। इन ऐतिहासिक कारणों के अलावा कई बार उड़ीसा की गरीबी का दोष उसके एक्सट्रीम वेदर को भी दिया जाता है, चाहे वो साइक्लोन्स हो या फिर ड्राउट्स। जैसे एक 19वीं सेंचुरी उड़ीसा की रिपोर्ट ने बताया कि 1831 में एक साइक्लोन का बुरा प्रभाव पड़ा था उड़ीसा पे, जिसकी वजह से बालासोर और कटक के नमक व्यापारियों को भुगतना पड़ा था, पर अभी भी उड़ीसा एक साइक्लोन से गुजर रहा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दी, तेज लहरों ने समंदर किनारे बनी दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। समंदर मानो सब कुछ अपने आगोश में लेने पर आमदा था। इसके अलावा उड़ीसा कई फैमिन या फिर अकाल से भी गुजरा है। 1866 के फैमिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पर कई रिसर्चर्स का मानना है कि उड़ीसा की गरीबी का दोष बस एक्सट्रीम वेदर पर नहीं दिया जा सकता, बल्कि बुरी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे 1866 फैमिन के बुरे प्रभाव के पीछे अंग्रेजों की एक्सपोर्ट पॉलिसी, होर्डिंग या फिर जमाखोरी और अंग्रेजों की तरफ से मदद में कमी भी जिम्मेदार थे। पर अंग्रेजों ने ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी ऐसी चीजें करी है। जैसे 1980s में जब कालाहांडी की भुखमरी की चर्चा लोकल और इंटरनेशनल मीडिया में हो रही थी, तब कुछ सरकारी कर्मचारियों ने दोष कम बारिश पर डाला था। पर हम देख सकते हैं कि 14 सालों के दौरान 8 बार कालाहांडी में उड़ीसा की एवरेज से ज्यादा बारिश हुई थी,
पर जगदीश प्रधान कहते हैं कि कालाहांडी की गरीबी का दोष गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी दे दिया जा सकता है, जैसे जंगलों का क्षेत्र कम होना और गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइसेस के कम दाम। इसलिए जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब उड़ीसा और स्पेशली कालाहांडी का एरिया अपनी गरीबी के लिए ही माना जाता था। आज तक करीब 7 प्रधानमंत्री कालाहांडी आए हैं बेहतर डेवलपमेंट प्रॉमिस करने के लिए। इनफैक्ट ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी को गरीबी हटाओ स्लोगन की प्रेरणा तब मिली जब वो कालाहांडी गई। इसके साथ हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि उड़ीसा में हर जगह सिचुएशन सेम ही है, क्योंकि उड़ीसा के डिफरेंट पार्ट्स में सिचुएशन बहुत ही अलग है। उड़ीसा को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, नॉर्थ उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा और साउथ उड़ीसा। नॉर्थ उड़ीसा वो एरिया है जहाँ ज्यादा माइनिंग होती है, कोस्टल उड़ीसा वो एरिया है जहाँ उड़ीसा के सबसे बड़े शहर और टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वहीं साउथ उड़ीसा एक हिली रीजन है जहाँ ज्यादा संख्या में शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं। 2011 के डेटा के हिसाब से कोस्टल उड़ीसा में गरीबी करीब आधी है उड़ीसा के दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में। साउथ उड़ीसा के कई डिस्ट्रिक्ट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा गरीब है, जिसके पीछे एक कारण हो सकता है कि साउथ उड़ीसा की इतनी पॉलिटिकल पावर नहीं है, क्योंकि शायद उधर कई ट्राइबल लोग हैं। इसे 1985 की एक इंडिया टुडे रिपोर्ट के हिसाब से एमएलए भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कालाहांडी के लोकल लोगों को 14 साल वेट करने पड़े थे एक ब्रिज के लिए, जबकि कटक जैसी जगहों की कोई भी मांग जल्दी पूरी हो जाती है। पर उड़ीसा की सिचुएशन बदलने लग गई 21वीं सदी में। दो इकोनॉमिस्ट ने दिखाया 2003 के बाद उड़ीसा की एवरेज ग्रोथ रेट करीब 8% थी, जिसकी वजह से उड़ीसा में गरीबी बहुत हद तक कम होने लगी। इसके पीछे श्रेय जाता है नवीन पटनायक को, जिनकी आज की छवि बहुत अलग है उनकी 30 साल पहले की छवि से। जब नवीन पटनायक ने अपनी पॉलिटिकल इनिंग स्टार्ट करी, अपनी पॉलिटिक्स की बजाय वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में ज्यादा जाने जाते थे। जैसे उनके दोस्त थे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जैसे म्यूजिकल आइकन मिक जैगर और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी। सीएम बनने के बाद भी उनको बुलाया जाता था द मैन हु कुडंट केयर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्राइवेट जिंदगी के बारे में ज्यादा दिलचस्पी रखता है और ना कि उनके लोग कैसे भुगत रहे हैं। पर अब नवीन पटनायक अपनी सिंपल जिंदगी और साफ नीयत के बारे में ज्यादा जाने जाते हैं, और उनके समर्थक मानते हैं कि क्योंकि वो अनमैरिड है, इसी वजह से उड़ीसा की डेवलपमेंट ही उनकी पूरी जिंदगी है। तो नवीन पटनायक ने अपनी छवि ही नहीं बदली बल्कि उड़ीसा का भविष्य भी। और उन्होंने ऐसा किया कैसे? किसी भी इकोनॉमी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और उड़ीसा की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे कारण था कि उनके टर्शरी सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। जैसे हम देख सकते हैं कि करीब 10 सालों में टर्शरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन उड़ीसा की इकोनॉमी में 39% से करीब 50% तक बढ़ गया। और ये बस उड़ीसा में ही नहीं हो रहा था, हमारे पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ टर्शरी सेक्टर से ही हो रही थी मोस्टली, और उड़ीसा ने इसी चीज को यूज किया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा उधर सोशल डेवलपमेंट भी काफी हद तक हुई है, जैसे उड़ीसा की इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में भारी गिरावट आई है। और इस इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस का श्रेय हम नवीन पटनायक के 3 इनिशिएटिव्स को दे सकते हैं। पहला है उनकी महिलाओं की डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, जैसे मिशन शक्ति। मिशन शक्ति उन्होंने स्टार्ट किया था 2001 में महिलाओं को और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, जहां वो उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और एक स्टडी ने पाया कि इस प्रोग्राम ने महिलाओं की इनकम और सेविंग्स बढ़ाई है। इकोनॉमिक पावर के अलावा नवीन पटनायक ने महिलाओं की पॉलिटिकल पावर भी बढ़ाई है, जैसे जनरल इलेक्शंस में 33% रिजर्वेशन करके और पंचायत इलेक्शंस में 50% रिजर्वेशन करके। दूसरा इनिशिएटिव था उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल। 1999 में उड़ीसा को एक सुपर साइक्लोन से भुगतना पड़ा था, जिसकी वजह से करीब 10,000 लोग मारे गए थे। पर उसके बाद उड़ीसा ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने भी बात करी है, और इस चीज का उदाहरण हम 2013 के साइक्लोन फैलन से देख सकते हैं। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन के साथ ही उड़ीसा और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी खुद पायलिन के चेतावनियों के मद्देनजर प्रशासन को तेजी से इंतजाम के लिए सक्रिय किया। इसका असर भी नजर आया, लाखों लोगों को कच्चे मकानों और खतरों वाले इलाकों से सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया गया। साफ है कि जिस तरह का तूफान आया और उससे बचने की जिस तरह से तैयारियां की गईं, लोगों की जानों को बचाया गया, वो तारीफ के काबिल थे। सरकार के बेटर परफॉर्मेंस के पीछे एक मेन कारण रहा है कि वो ऐसे इंसिडेंट से ज्यादा सीखने की इच्छा रखते हैं। जैसे उड़ीसा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम बहुत ओपन माइंडेड हैं और अपनी सीख को हम फ्यूचर प्लानिंग में डालने की कोशिश करते हैं। तीसरा इनिशिएटिव है जहां सरकार खाना या फिर अनाज दे रही है गरीब लोगों को भुखमरी हटाने के लिए। ऐसे उड़ीसा के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से लाखों परिवारों को चावल मिलता है और सरकारी आहार सेंटर से पक्का पकाया खाना भी। और ऐसी इनिशिएटिव से नवीन पटनायक ने दिखाया कि चाहे वेदर कितना भी एक्सट्रीम हो, पर अच्छी पॉलिसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है।
पर इस प्रोग्रेस के बावजूद हमें ये भी जानना चाहिए कि उड़ीसा में इनक्वालिटी जरूर बढ़ी है, क्योंकि ज्यादा बेनिफिट्स बस कोस्टल उड़ीसा के एरिया में ही गए हैं। जैसे रूरल और अर्बन गरीबी की गिरावट 2004 से 2011 के बीच कोस्टल उड़ीसा में ज्यादा थी दूसरे रीजन्स के कंपैरिजन से, क्योंकि जो टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ हमने देखी उड़ीसा में वो मोस्टली कोस्टल उड़ीसा में ही थी। इसके अलावा माइनिंग ने भी इनक्वालिटी बढ़ाई है उड़ीसा में। 2016 में माइनिंग उड़ीसा की 8% इकोनॉमी के लिए जिम्मेदार थी, पर इसके बावजूद एक रिसर्च ने दिखाया कि वो एरिया जहां ज्यादा माइन है वो ज्यादा गरीब है उन एरिया से जहां माइन नहीं है। इसके पीछे एक मेन कारण हो सकता है कि माइनिंग की वजह से जो भी लाभ होता है वो यूजुअली बस कुछ लोगों के ही हाथ में आता है करप्शन की वजह से। और इस इनक्वालिटी का सबसे बड़ा असर पड़ता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों पर। जैसे हम देख सकते हैं कि उन एरियाज में जहां ज्यादा एससी और एसटी पॉपुलेशन है उड़ीसा में, वो एरिया ज्यादा गरीब है। इसी वजह से चाहे कितनी भी डेवलपमेंट जरूर हुई है उड़ीसा में, पर कालाहांडी, बालांगीर और कोरापुट, इनको साथ में KBK बोला जाता है, वो अभी भी उड़ीसा में गरीबी के लिए ही माने जाते हैं। भुखमरी और गरीबी की अभी भी हमें न्यूज रिपोर्ट्स मिलती हैं। The poignant reminder of utter lack of infrastructure and facilities was seen on the roads of Kalahandi when a farmer was forced to carry his wife's dead body on his shoulders for almost 10 kilometers before his plight was noticed. पर इन समस्याओं के बावजूद ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिलता हमें लोगों से उड़ीसा में। अब एक कारण हो सकता है कि लोग ये मानते हैं कि नवीन पटनायक ने इतना किया है उड़ीसा के लिए तो इसलिए उनको धैर्य रखना चाहिए, पर चाहे उन्होंने कितना भी किया हो पर उड़ीसा में अभी भी गरीबी बहुत मौजूद है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि लोग उधर प्रदर्शन करेंगे और आवाज उठाएंगे, पर ऐसा नहीं देखने को मिलता। अभिजीत सेन जो एक नामी इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि उड़ीसा में ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म है ही नहीं। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि पास के वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल एक्टिविज्म बहुत है, जिसके बारे में हमने एक रीसेंट वीडियो में बात भी करी थी। तो क्या कारण है जिसकी वजह से उड़ीसा का समाज इतना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है? एक लोकल जर्नलिस्ट केदार मिश्रा का मानना है कि सालों से उड़ीसा एक फ्यूडल प्लेस रही है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ अमीर, नामी या फिर पावरफुल लोगों का राज रहा है। वो कहते हैं कि उड़ीसा के लोगों का एटीट्यूड ये रहा है कि वो पॉलिटिक्स या फिर डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहते। उनका मानना है कि उनके लीडर्स उनके लिए सोचेंगे। वो उड़ीसा के समाज को एक आलसी समाज बुलाते हैं, और ये फ्यूडल स्टेट अभी भी हम उड़ीसा में देख सकते हैं। चाहे पॉलिटिक्स हो या फिर बिजनेस या फिर मीडिया, बस कुछ परिवार ही इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए कुछ साल पहले एक माइनिंग प्रदर्शन में जब कुछ ट्राइबल प्रोटेस्टर्स की हत्या कर दी थी पुलिस ने, इस स्टोरी को किसी भी मीडिया ने कवर ही नहीं किया था। अब क्योंकि उड़ीसा की ज्यादातर मीडिया का लिंक नवीन पटनायक के साथ है, इसी वजह से वो अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन मेंटेन भी कर पाते हैं, और इसी कारण की वजह से नवीन पटनायक ऐसी सरकार चला रहे जहां उनको लोकल MLAs की एक्चुअली इतनी जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि उड़ीसा पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि नवीन पटनायक के सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं। तो उड़ीसा को और डेवलप करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए? पहला है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इससे वो कम्युनिटीज जिनको ज्यादा पॉलिटिकल पावर नहीं मिली है वो भी पॉलिटिक्स में शामिल हुए, और जो अभी लोकल MLAs हैं वो भी ज्यादा अकाउंटेबल हुए अपने काम के लिए। इसके अलावा उड़ीसा को ये भी समझना पड़ेगा कि माइनिंग से डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स लोकल लोगों के लिए इतनी नौकरियां नहीं बनाते। इसके अलावा उड़ीसा सरकार को लोकल इंस्टीट्यूशंस यूज करने चाहिए, जैसे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मिशन शक्ति ने बनाए थे, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा पावर देके उड़ीसा के फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। और ऐसी चीजें करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी उड़ीसा में बहुत हद तक गरीबी है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को ना तो प्रॉपर खाना मिलता है ना ही साफ सफाई, और जहाँ कुछ साल पहले उनकी एक फोटो की वजह से कई प्रधानमंत्री उनसे मिलने आए, फानस पूंजी कुछ बेसिक चीजों के लिए संघर्ष कर रही है। अब वो किसी भी मीडिया कर्मी से नहीं मिलना चाहती। वो कहती कि आप लोग मेरी फोटो लेके उनको बेच देते हो और मुझे अपनी गरीबी में सड़ना पड़ता है। जैसे 2016 की एक न्यूज रिपोर्ट ने बताया कि लोकल आंगनवाड़ी जहां वो काम करती है उधर से 5 महीने से उनको कोई पेमेंट नहीं मिली। और रही पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात, तो कई लोग उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दुलेश्वर तंडी जो कालाहांडी के दलित समाज से हैं और जिन्होंने एक वायरल रैप लिखा था कोविड के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स की समस्याओं के बारे में। और ये एक्टिविज्म बहुत जरूरी है उड़ीसा के पॉलिटिकल लीडर्स पर दबाव डालने के लिए। स्विमिंग पूल में तैरने वालों, पिज्जा बर्गर खाने वालों, तुमको क्या पता ये भूखमरी क्या चीज है? तुम्हारे लिए तो गाड़ी मोटर बंगला बीज है, पर हम तो रहते जंगल में ना, उड़ीसा के डंगरों में, छत्तीसगढ़ की बस्तर में ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना यूपी और बिहार में ना।